नमस्कार सिमरन, आप देख रहे हैं मैं भारत सिंह जानजुआलते हैं ताजा खबरों को फटाफट अंदाज में। झांसी में यूपी एसटीएफ ने माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। वहीं प्रयागराज कोर्ट में पेशी पर आया अतीक, बेटे की एनकाउंटर की खबर मिलने के बाद फूट फूट कर रोने लगा। थाना क्षेत्र में अज्ञात कारणों से गेहूं के खेत में आग लग गई, वहीं ग्रामीण आग पर काबू पाते इससे पहले फसल जलकर राख हो गई। गोंडा के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब घात लगाए बैठे युवकों ने किसान की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद आनन फानन में घायल किसान को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे हायर रिफर कर दिया गया जहां उसकी मौत हो गई। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में रजिस्ट्रार ऑफिस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अपर जिलाधिकारी ने संयुक्त रूप से छापा मारा। इस दौरान कनिष्ठ सहायक मौके से नदारद मिले। इसके अलावा दो लोग बिना किसी साक्ष्य के कार्यालय में काम करते पाए गए, जिसके बाद दोनों को कोतवाली भेज दिया गया। सुल्तानपुर में नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस कमेटी कार्यालय में जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा की अध्यक्षता में तैयारी बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारी भारी संख्या में मौजूद रहे। वाराणसी में गौशालाओं को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां खजोही स्थित गौशालाओं में सीरियस केस से बीमार पशुओं को भी साथ रखा जा रहा है। वहीं मीडिया के पहुंचने की खबर लगते ही आनन फानन में कर्मचारियों ने किसी तरह से जीवित गोवंशों को बाहर निकाला। गोंडा में ओवरलोड ट्रक ने दो युवकों को रौंद दिया, जिसके बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुल्तानपुर के हलियापुर थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तरफा प्यार में प्रेमी ने पहले प्रेमिका को गोली मारकर हत्या कर दी, बाद में खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। फिरोजाबाद में बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती को लेकर एसपी ग्रामीण ने भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान जानकारी देते हुए बताया कि अम्बेडकर जयंती के अवसर पर नगर में अनेकों प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे। इस दौरान 12 से 18 तारीख तक प्रदर्शनी मेला भी लगाया जाएगा। प्रतापगढ़ में रसोई गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिससे सिलेंडर में विस्फोट हो गया। वहीं आग की चपेट में आई महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लाल इस बुलेटिन बस इतना ही, आप देखते रहें मैं भारत। सत्ता के वादों की जमीनी पड़ता, गरीबों पर कितना मेहरबान सरकार, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों पर उठ रहे सवाल, विपक्ष का सत्ता परवार, सियासत में आया भूचा, कितना बदला प्रदेश।